भाई अब सिर्फ बचे हैं 4 एपिसोड, जिसके बाद धर्मपत्नी खत्म हो जाएगा फाइनली। ये एक ऐसा टॉर्चर था जिसको मैंने लगभग लगभग 1 साल झेला है, लगभग लगभग, क्योंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट 2-3 महीने और चलता तो ये 1 साल पूरा कर लेता, और 1 साल इसको पूरा हो जाता किस लिए, ऑडियंस को टॉर्चर करने में। हाँ, कुछ सीन्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थे, काफी ज्यादा ग्रेट थे, एक्टिंग नेक्स्ट लेवल पर थी फमान खान की, फमान खान, ठीक है, गुरप्रीत बेदी की, मल्हार की, चाची की, किंजल की, पारुल की, चाचा की, और बस बीजी की भी। बीजी तो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर है, बीजी की तो बात ही नहीं कर सकता मैं, ये चुन्नू मुन्नू के आगे बीजी का तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन भाई सच में इसके अलावा इस शो में कुछ मुझे ज्यादा खास लगाई नहीं। रवि और प्रतीक्षा की केमिस्ट्री को भी काफी पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया गया है, काफी पॉइंट्स पर काफी डल डल, बट ये कि चीज जो थी इस शो में बहुत ज्यादा अच्छी थी भाई, रिपीटेशन बहुत। रिपीटेशन में इस शो जितना कोई भी शो, क्या मतलब दुनिया में कोई भी चीज नहीं हो सकती इतना ज्यादा रिपीट करे, कोई भी चीज नहीं। इंसान भी एक गलती को 4 बार 5 बार 10 बार करने के बाद नहीं करता, बच्चों को भी अगर हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो वो भी एक चीज को एक गलत कम से कम 20 25 30 बार पढ़ेंगे। इस शो ने रिकॉर्ड तोड़ रिपीटेशन की है, वो उसी एक ही चीज की और एक ही गलती की, आज के एपिसोड में भी हुआ। प्रतीक्षा को नशे वाली गोली दी, बंदी उस पानी को पीकर ऐसे खड़ी है जैसे घर में जो हमारा ऑल आउट होता है उसको जलाने के मच्छर घूम रहे होते हैं, असर ही नहीं है। असर दिलाने का भाई साहब महलार वेट कर रहा है कि असर कब हो, जस्ट लाइक अस जला रखी ऑल आउट, असर कब करेगी, कब मच्छरों को मारेगी, यही सिचुएशन थी। और सच में मुझे पता नहीं कि ये मल्हार भाई कौन से सस्ते केमिस्ट के पास गया था जिसने ऐसी घटिया गोली दी कि पानी पीने के बाद भी असर नहीं हुआ। दूसरी ये बात मुझे समझ भी नहीं आई कि उस कार्ड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रतीक्षा को खांसी आएगी, और उस कार्ड की वजह से जो प्रतीक्षा को खांसी आने वाली थी उससे बचने के लिए मल्हार ने वो क्या खाया, वो भी मुझे जानना पर्सनली, कि क्या पता बच्चों के काम आ जाए, वाइवा हो, वाइवा में वही चीज डाल के दे दी, ये लो सर तो पढ़ रहे हैं भाई साहब, खांसी पे खांसी, खांसी पे खांसी, खांसी पे खांसी, अरे वाइवा कैंसिल लो भाई, खुद खांसी नहीं रुक रही है, काम आ सकता है बच्चों के, इसलिए ये तो मैं जाना चाहता हूँ क्या कि वो था क्या। और भाई वो चीज ऐसे लगी हुई थी वो समझ में भी नहीं आई थी, वो पाउडर वाउडर ऐसा था, वो पेपर में पेंट किया हुआ है ऐसे, वो पेपर भी बड़ा अजीब टाइप का था, पता नहीं किस चीज से बना था, अलग ही उसका स्ट्रक्चर था। दूसरी तरफ रवि प्रतीक्षा को फोन कर रहा है, प्रतीक्षा को फोन नहीं, रवि किंजल को फोन कर रहा है, किंजल प्रतीक्षा को फोन करेगी, इतनी मूर्खता वाले ना जो चीजें करते हैं इस शो में, वैसे मूर्खता वाली चीजें ना अगर दुनिया में किसी शो में नहीं करी होगी। रवि क्या अपने घर के गार्ड को फोन नहीं कर सकता, चलो नंबर नहीं है, पापा के पास तो होगा, मम्मी के पास तो होगा, चाची के पास तो होगा, किंजल को फोन करो, हेलो तो भाई गार्ड को फोन कर 4 5 मिनट के अंदर बोलो भाई साहब बहुत बड़ा घर है, ठीक है बहुत बड़ा घर, कभी खुशी कभी गम जितना बड़ा घर है, वैसे जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है इतना बड़ा घर है, तब भी उस बंदे को गेट से घर के गेट तक आने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट,
किंजल वहां से फोन करके प्रतीक्षा से पूछेगी, जबकि भाई तेरा ही फोन नहीं लग रहा प्रतीक्षा के पास, इस बात का कोई सेंस है? लाइक सीरियसली, इस बात का कोई सेंस बनता है? तेरा फोन लग नहीं रहा, तू भाई किंजल को फोन करके बोला, तू भाई तू किंजल तू अपनी बहन को फोन कर, क्योंकि मेरा फोन नहीं लग रहा, तू जाके पता कर भाई प्रतीक्षा सही है या नहीं। गार्ड को फोन नहीं कर रहे भाई साहब, गार्ड को फोन कर ले। इसके बाद अलग चीज, हमारे मल्हार भाई साहब अंदर घुसा है, ग्लास में पानी डाल रहे हैं, एक्चुअली भली आवाज ना हुई, साउंड इफेक्ट पानी डाल के ऐसे। प्रतीक्षा बहरी भी है क्या, तो उसको इस पानी गिरने की आवाज नहीं आई होगी? क्या मजाक है! अरे भाई आखिरी के कुछ 4-5 एपिसोड बचे, उसमें तो ऐसी इतनी मेजर मेजर गलती ना करो, उसको तो एक फिनिशिंग दे दो अच्छी सी। एक चीज मांग रहे हैं भाई हम लोग स्टार्टिंग से, कि भाई स्टोरी अच्छी करो और कुछ चीजों में फिनिशिंग दे दो। यहाँ पे फिनिशिंग का नाम ही नहीं है, यहाँ पे मतलब चीजें ऐसी होती है जिसमें फिनिशिंग है ही नहीं। इतने ज्यादा लूप होल कह नहीं सकते। मल्हार भाई घर के अंदर घुसाते हैं, प्रतीक्षा घर के अंदर अकेली है, और ये दूसरी बार हुआ। उनके घर में वर्किंग लोग हैं, वर्कर से सॉरी मतलब, ठीक है हाउसमेट है, वो कहाँ गए पता नहीं। कभी वो रात को भी रहते हैं, कभी वो रात को नहीं रहते। गार्ड को फोन किया, गार्ड कैमरा देखने आ गया कि हाँ भाई ये गार्ड जो है कैमरा की फुटेज निकाल के, आज गार्ड ही नहीं है। जिस दिन प्रतीक्षा का किडनैप हुआ उस दिन भी गार्ड नहीं था। बताओ जरा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना ये लोग, मतलब सीरियसली मन करता है कि भाई ये शो क्या है और क्यों है। एकता कपूर के शोज में मैं ये बात बोलता हूँ कि रिपीटेशंस होती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े लूप होल नहीं होते। ये भाई हम लोगों ने 2 मेजर सीरियल्स में देखा है, एक करंट में भी खत्म हुआ है बेकाबू शालीन भनोत का, एक अभी चल रहा है बरसाते सोनी पर। ये दो दो बहुत बड़े शोज हैं और दोनों की टीआरपी काफी अच्छी है, अगर उनके चैनल के अकॉर्डिंग बताऊं तो काफी अच्छी है, बट तब भी उनमें ऐसे नहीं है प्लॉट होल लूप होल्स। इसमें इतने सारे प्लॉट होल है लूप होल है, जबकि इसकी टीआरपी उनसे उनके बराबर मैं कह सकता थी, तब भी वाह। और एकता कपूर ध्यान भी नहीं दे रही कि चलो इस चीज को जो है मैं खड़ के रखू, गलती ना होने तो शायद टीआरपी आ जाए। गया तो गया, डूब जाने तो कश्ती, अपने पास तो और भी कश्तियां हैं, उनको तूफान के आगे खड़े कर देंगे। भाई मैं तो तंग आ गया, 4 एपिसोड और हैं, 4 एपिसोड बाद ये शो खत्म हो जाएगा, चीजें जो हैं तब शायद थोड़ी सी पीसफुल हो। बाकी भाई आप तो है ही, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इन सब बातों के साथ एग्री करते हैं या नहीं। और इसी तरीके की धर्मपत्नी के बच्चे 4 एपिसोड के रिव्यूज हैं, उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस हो धर्मपत्नी के आने वाले 4 एपिसोड का कोई भी रिव्यू।